थैंक यू सो मच सर जी। एवरीबॉडी गो 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 गो। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है वर्ल्ड साइकिल डे, जैसा कि आपको पता है 3 जून को, और आज कोठी रोड से साइकिल रैली निकलने वाली। लोग आए, हमारे साथ मेरा फ्रेंड अंश आया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है, इसका भी एक यूट्यूब चैनल इसमें ब्लॉग करता है, ये भी एक एनसीसी कैडेट है। अब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और यहाँ पे हमें ये टोकन दिया गया है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी रैली स्टार्ट होगी यूएससीएल के ऑफिस से 6 months later एंड वापस अगेन ऑफिस पे। यस, अंश भी ब्लॉग बना रहा है। एवरीबॉडी गो 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 गो। नाउ गाइस, रैली स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग पीछे साइकिल लेके आ रहे हैं और आगे भी काफी सारे लोग निकल चुके हैं। A few moments later. Guys, finally हम C21 मॉल पहुंच चुके हैं। ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन। सो गाइस, फाइनली हम बस टावर पहुंच ही रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और लाइटनिंग की बात करें तो क्या मस्त सुबह की सुनहरी धूप हो रही है, काफी मजा आ रहा है सुबह सुबह साइकिल चलाने का। दोस्तों, ऐसा है कि फिटनेस को हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सब लोग फोन में घुसे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। स्पेशली युवा वन को तो फोन ने पूरा हिप्नोटाइज कर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग उनको डेली वर्कआउट करना चाहिए, कुछ ना कुछ योगासन वगैरह सारी चीजें करनी चाहिए। अंश, कैसी फीलिंग आ रही है साइकिल चला के? बहुत अच्छी आ रही है, अभी थकान तो कुछ भी नहीं हुई है, अभी देखते हैं आगे और कितनी दूर तक मैं चला पाऊंगा। स्टेमिना तो वैसे अच्छा ही है साइकिल चलाने का। बचपन में 10th class में था जब मैं यहीं पे स्कूल आया करता था लोकमान्य तिलक पे, मैं 10 किलोमीटर रोज चलाता था, मतलब मेरा रोज का हो जाता था 40 किलोमीटर साइकिल चलाना। ये होते हैं असली एनसीसी कैडेट। और अभी भी अंश 7-8 किलोमीटर साइकिल चला के पहले कोठी आया, फिर देन उसके बाद 10 किलोमीटर की टोटल कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक 18 किलोमीटर के आसपास अभी करनी है साइकिलिंग, एंड देन उसके बाद वापस घर जाना है। यानी कि आज अंश की 30 किलोमीटर की साइकिलिंग होने वाली है। और काफ़ी गर्व की बात है कि अंश ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इतनी दूर से अगर कोई आ सकता है तो जो पास में लोग रहते तो उन्हें तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए। तो कुछ दिखाता हूँ, ये देखिए सुबह मॉर्निंग वॉक हो रही है इन लोगों की, ये देखिए क्या बात है। हम पहुंच चुके हैं हमारी 4th location। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कलेक्टर बंगलो और इधर है हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी। ओके, हमारी 5th location कंप्लीट एंड अब जस्ट हमें जाना सीधे कोठी। ये है कलेक्टर बंगलो। ओके सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 82 किलोमीटर्स लेटर। हमने कंप्लीट कर ली है पूरी रैली, जो शुरू किया था वही खत्म किया है। साइकिल को पार्क कर दिया है, अर्श भी लॉक लगा रहा है। चोरों का डर भैया, चोरों का डर। क्यों चोरों का डर, क्यों पुलिस यहाँ रहती है इसलिए? गाइस देखो, अंश का क्या कहना है, जहाँ पुलिस होती है ज्यादा डर चोरों का। बोले बाबा, अंश और मैं पता क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो भाई जल्दी से झंडा देखे तो हम थोड़ा लहरा ले। भाई पकड़ के खड़ा हुआ है, तो अब हमने सोचा है कि हम उससे ले ही लेते हैं। गजब बेइज्जती है। थैंक यू सो मच सर जी। यस, अंश को तो देखिए गिफ्ट लेने के बाद। 12 seconds later, अंश केक लेते हुए रहे हमारे रिफ्रेशमेंट। 10 seconds later. So guys, अभी जस्ट हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें आस्था में मिले, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है। इनका चैनल भी अक्सर बीच पे यूट्यूब चैनल और साथ में न्यूज़पेपर भी आता है, तो इन्होंने हमारा एक शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू लिया जिसमें अंश और हमने कुछ बातें शेयर की कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इनके चैनल पे और न्यूज़पेपर में हमारे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आएगी। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप भी साइकिल चलाइए, पॉल्यूशन फ्री लीजिए, साथ में साइकिल से सेहत भी बनेगी, काफ़ी मजा आएगा। और हाँ, साथ में अंश के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे एनसीसी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिला होगा। और ऐसे ही ब्लॉग चाहिए था मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा और एनसीसी रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो गाइस, अब हमने सोचा है कि क्यों ना इन्हें अनबॉक्स किया जाए कि गिफ्ट में हमें क्या मिला है। तो चलो शुरू करते हैं। 2000 years later. ओके, तो यहां पे हमें मिला है एक शानदार सा यूएससीएल का कप, देखिए।